मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा। हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, एक कमेंट के ऊपर दूसरा कमेंट, दूसरे कमेंट के ऊपर तीसरा कमेंट, जो उन्होंने कहा उनको अनकहा कर दो। मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा, बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए, बिकॉज लक्षद्वीप इज मच बेटर, मच मोर क्लीनर, मच मोर ब्यूटिफुल एंड द लगूनस आर जस्ट फैंटास्टिक। हम लोग उससे प्रमोट नहीं किया आज तक। पहले तो INS विक्रांत पे जाके पार्टियां होती थी, लेकिन हम इंडियंस को वहां जाना अलाउड नहीं था, पर हमने खुद बंगाराम आइलैंड पे अपना होटल बनाया, वो भी अभी गवर्नमेंट के पास है। अगर वो पब्लिक को वहां जाके रहने देंगे, हमने लकड़ी के घरों का मेरे एक सारा बोर्ड करके कंपनी है, उससे होटल बनाया, अगर वहां इंडियंस को जाने दिया तो ट्रस्ट मी मालदीव्स को लाले पड़ जाएंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा टूरिज्म मालदीव्स में इंडियंस का जाता है। और जे इंडियंस को मौका मिल गया कि हिंदुस्तानी रुपए में जाके लक्षद्वीप में हम ये छुट्टी बना सकते हैं, तो ट्रस्ट मी मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आके लक्षद्वीप बैठ जाएंगे। तो आई थिंक PM मोदी जो वहां जाके उनने दिखाया है कि हमारे ये आइलैंड्स हैं, वो तो उनने बहुत कमाल दिखाया है कि जी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे आइलैंड है, लेकिन अगर हमें वहां जाना फुल अलाउड हो जाए तो ट्रस्ट मी कश्मीर भी फेल है उसके सामने। नहीं, आपको समझना पड़ेगा उनका घर, वो सारों के होटल हैं, वो सब होटल को ओन करते हैं, वहां के नेता ओन करते हैं, 90% ऑफ द होटल्स ऑफ मालदीव्स आर ओन्ड बाय ऑल द नेतास। तो उनको हार्ट अटैक आ गया कि इधर इंडिया वाले लक्षद्वीप में मालदीव्स बनाने की कोशिश ना करें। इंडिया ने, अगर मोदी जी ने ठान ली ये बात, तो ट्रस्ट मी लक्षद्वीप विल बी द नंबर वन डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली। तो वो हमें डॉलर में खर्चा करना पड़ता है, हमें वहां बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वहां वो लोग एक बॉटल भी लेके जाने नहीं देते दारू की, सारा वहां बिलिंग होती है। इंडिया में अगर लक्षद्वीप में खुल गया तो मालदीव्स साफ हो जाएगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि मालदीव्स तो ऑलरेडी हम बहुत बार जा चुके हैं, पर लक्षद्वीप इज एब्सोल्युटली क्लीन, ब्यूटिफुल एंड अनटच्ड, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई आर वी नॉट यूजिंग इट। थैंक यू PM मोदी, प्लीज ओपन इट फॉर एवरीबडी। मैं सच बता रहा हूं आपको, इतने ब्यूटिफुल आइलैंड्स हैं वो, छोटे छोटे आइलैंड्स, अगर उनपे होटल्स बन गए ना तो पूरी दुनिया से टूरिज्म आएगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया को मिलेगा। टू हेल विद एवरीबॉडी, वी नो ही इज आवर गॉड, ही इज द बेस्ट, ही इज नंबर वन, वी हैव द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, एंड जिसको जो बोलना है वो बकते जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं इंडिया वालों से अपील करूंगा कि प्लीज, जिस तरीके से हम लोग PM मोदी जी बोलते रहते हैं कि इंडिया ट्रैवल करो, इंडिया ट्रैवल करो, इंडिया इज फैंटास्टिक, वी हैव डेजर्ट्स, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव लगूनस, वी हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दिस इज गॉड्स ओन कंट्री। तो सपोर्ट इंडिया, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट, बाहर घूमने भी कभी कभी जाओ, नो प्रॉब्लम, पर इंडिया, हमने अगर इंडिया ही नहीं देखा तो फिर हमने क्या देखा। अरे कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी ऐसा भौंक रहा है भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे देश में, जब से वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हमें बहुत गर्व है, और इस अब की बार मैं तो बोलता हूँ 400 पार। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड 2024 इज गोइंग टू बी हिज ईयर अगेन, ही इज वर्किंग फुल डे। एक आदमी जो 19-20 घंटे काम करता है देश के लिए, वो देश को आगे लेके जाते जा रहा है, और हम सब उसके साथ। मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया को देखकर बहुत सारी इच्छाएं जाग उठती है, बहुत सारी चीजें हमें नजर आती है जो शायद हमें पता नहीं या की नहीं होगी, चाहे वो स्नॉर्कलिंग इन मालदीव्स हो या लक्षद्वीप हो या हिमालयन माउंटेन्स के ट्रैकिंग हो या बस कोई टेंपल विजिट हो, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे कर रहे हैं इसलिए मत कीजिए। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो है मैं पूरी दुनिया घूमूं, और जिसमें मैं लगी हुई हूँ, मैं कश्मीर भी गई हूँ, नेपाल भी गई हूँ, उड़ीसा भी गई हूँ, भोपाल गई हूँ, कन्याकुमारी गई हूँ, तो मेरी तो इच्छा है कि मैं पूरा देश घूमूं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि टूरिज्म हमारे देश में इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबसूरत जगह हैं, तो हम जो पैसे बाहर बर्बाद करते हैं, जैसे हाल ही में मैंने कहा कि भाई लोग बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड, कश्मीर मिनी स्विट्जरलैंड है, और मैं ये कहती हूँ कि स्विट्जरलैंड जो है वो मिनी कश्मीर है, कश्मीर तो हमारे पास है। इतनी खूबसूरत जगह जब हमारे पास है तो हमें अपना देश पूरे अच्छे से देखना चाहिए, एंड आई फील दैट इज़ इम्पोर्टेंट।
देखिए, एक कमेंट के ऊपर दूसरा कमेंट, दूसरे कमेंट के ऊपर तीसरा कमेंट, जो उन्होंने कहा उनको अनकहा कर दो, ना तो सुनो ना देखो ना पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, जो आपके मन में हो वो बस करो। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पित्ती है और मैं इज माई ट्रिप का को फाउंडर हूँ। इज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलोर से। और हमने इस बार ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में, प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर, जहां पे बाहर से लोग आए और हमारे देश को, हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो। इसके तहत हमने डिसीजन लिया है और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाए। हमें बिजनेस से पहले देश के बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए हमने ये छोटी सी मुहिम की है। धन्यवाद।